All right, so look at here, everyone. We are going to start the concept of acceleration. Concept of acceleration, simply acceleration. Symbol is a small a vector. Okay. So how do we define acceleration? Acceleration of an object is defined as change in velocity with respect to time. That is, with inverting formula, we can write acceleration is equals to change in velocity divided by time interval. Mathematically, we write it delta V upon delta T. Delta is for change in. See? So change in velocity upon change in time. ठीक है, इस तरीके से हम इसको define करते हैं velocity के concept, acceleration के concept. This is the formula of acceleration in terms of magnitude. So this is called magnitude form. Acceleration is a vector quantity, and hence in vector form we can write this formula. In vector form, just we substitute the arrow or the symbol. So delta v, जो भी vector quantities होंगी, arrow vector का sign सिर्फ उन्हीं पर आएगा, delta v upon delta t. तो इसके लिए कुछ पॉइंट, SI unit of acceleration is delta v. किसकी यूनिट होती है? वेलोसिटी की. और वेलोसिटी की खुद की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. तो जो यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, मैं बार बार बता चुका हूं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जिसकी भी आपको यूनिट फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला लिखें, उस फॉर्मूले में प्रेजेंट सभी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेपरेटली लिख लें, और जिस रिलेशन से वो बाउंडेड है वो रिलेशन भी उसमें मेंशन कर दें. तो डेल्टा वी बोले तो चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो बचेगी तो टाइप ऑफ वेलोसिटी. जैसे 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अब उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो गई, कितने का गैप आया? तो 7. तो 7 क्या होगा? मीटर पर सेकंड रहेगा, यानी कि टाइप ऑफ वेलोसिटी ही रहेगी. इसी तरह से टाइम इंटरवल ऐसा यूनिट के अंदर किसमें मेजर करते हैं? सेकंड. तो ये क्या बन गया? मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड. सेकंड नीचे चला जाएगा इसके अंदर. ठीक वैसे जैसे ये रूल होता है ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी, तो a अपॉन bc लिखते हैं इसको. ठीक ऐसे ही ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया. तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या बन गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऐसा यूनिट ऑब्वियस द एमकेएस सिस्टम. इसी तरह से अगर पूछा जाए कि सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो इसको क्या लिखेंगे हम? मीटर की जगह सीजीएस में क्या आता है? सेंटीमीटर. और टाइम तो सेकंड ही रहता है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे हम? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. तो इसको रीड क्या करते हैं बॉक्स के अंदर, एक और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब हमें इसको किन टर्म्स में लिखना है? एमएलटी की टर्म्स में. तो हमें पता है यहां पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मीटर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल लेंथ, और मीटर कितनी बार आ रहा है? वन टाइम, तो इसको लिखेंगे एल वन. सेकेंड किसका डायमेंशन रिप्रेजेंट करेगा? टाइम का. और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किस सिंबल से? कैपिटल टी से. यहाँ टाइम कितनी बार रिपीट हो रहा है? स्क्वायर, यानी कि टू टाइम्स, तो इसको लिखते हैं टू. तो ये क्या? एल वन अपॉन टी टू. तो ये इसको लिखा मैंने एल वन अपॉन टी टू, और ये क्या बन गया? एल वन टी माइनस टू. हम जनरली आंसर एटलीस्ट थ्री टर्म्स में देते हैं आउट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. एम एल टी, यानी कि एम की कुछ पावर, एल की कुछ पावर, टी की कुछ पावर. अगर इन तीन में से कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं है फॉर्मूले में, तो उसकी पावर कितनी लिख देनी है? जीरो. तो यहाँ पर हमने देखा एल की भी पावर है, टी की पावर है, एम नहीं है, तो इसको लिखेंगे कैसे? एम जीरो एल वन टी माइनस टू. सो दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. So this is the concept of acceleration.
इस तरीके से हमने इस एक्सेलरेशन को डिफाइन किया है। और फोर्थ पॉइंट, एक और पॉइंट लिख दें कि एक्सेलरेशन, ऑल्दो मैंने यहीं पे बता दिया, उसको लिख भी देते हैं, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी कितनों को समझ में आ गया यहां तक? अब इसके अंदर आपको ध्यान देना है कि अब एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज होगा तो ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर वेलोसिटी चेंज ही ना हो, यानी कि इफ द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, इट मींस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सिंगल पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, बिना उसकी स्पीड चेंज हुए और बिना डायरेक्शन चेंज हुए अगर वो मूव कर रहा होगा, तो वहां पर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आएगा। और वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो हम बोलेंगे देयर इज नो एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस केवल और केवल तभी हो सकता है जब वेलोसिटी में चेंज आए। और वेलोसिटी में चेंज तीन तरीकों से आ सकता है, देयर आर थ्री वेज बाय विच देयर कैन बी द चेंज इन द वेलोसिटी, ईदर वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड बोले तो आप एक तरह से इसको समझ सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एक तरह से क्या हो सकती है, स्पीड, यानी कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट। तो या तो इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या फिर इसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर दोनों ही चेंज हो जाए, वैल्यू भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तब ही वेलोसिटी के अंदर चेंज बोला जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय ऑल एनी वन ऑफ द मैथड, ईदर इट्स मैग्नीट्यूड वुड बी चेंजिंग और इट्स डायरेक्शन वुड बी चेंजिंग और बोथ वुड बी चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार सीधी रोड पर चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से और वो कंटिन्यूशन में चली जा रही है उसी स्ट्रेट लाइन पर, देन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का इसका कॉन्सेप्ट क्या बन गया, आप चाहो तो यहाँ पे लिख लेना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसके सामने लिख सकते हो। और भी तरीका हो जिसको अच्छा नहीं लग रहा हो ये, वी टू माइनस वी वन, टी टू माइनस टी वन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम इंटरवल माइनस इनिशियल टाइम इंटरवल, आप ऐसे लिख सकते हो। तो अगर ये मैंने एग्जांपल दिया ये वाला कि अगर कोई कार है वो 10 मीटर पर सेकेंड से एक स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है और बिना कहीं टर्न लिए, ना बीच में बैरियर है ना कुछ है, ये सीधी 10 मीटर पर सेकेंड से चली जा रही है, ठीक है, तो इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी भी यही हुई, यानी कि वी वन भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है और वी टू भी 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि इनिशियल वी वन बोलो या वी आई बोलो, वी टू बोलो या वी फाइनल वी एफ बोलो, दोनों सेम है। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं पूछूं तो कितना हो जाएगा, जीरो, 10 माइनस 10 जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में लिख भी दोगे, टाइम कुछ ना कुछ तो लगा ही होगा, चाहे एक्स सेकेंड लगाओ, वाई सेकेंड लगाओ, टी सेकेंड लगाओ, जो भी टाइम लगाओ, लेकिन आंसर तो जीरो ही आएगा। और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो मींस नो एक्सेलरेशन वुड बी प्रोड्यूस। तो एक्सेलरेशन होने के लिए दिस इज कंपलसरी दैट या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो जाए। अच्छा, तो पहली चीज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन नहीं होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों चीज सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन भी सेम और वैल्यू भी सेम, दोनों सेम होंगी तभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोली जा सकती है। दैट्स व्हाई आई डिडंट यूज द वर्ड यूनिफॉर्म स्पीड, दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इतना समझ में आ गया है, पहले तो पूछ लेता हूँ कितनों को ये चीज समझ में आ गई, तो फिर मैं आगे क्वेश्चन पूछूं। अभी तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन क्या पूछूं मैं आपसे, एक पर्सन है जो ग्राउंड के अंदर इधर उधर भाग रहा है, तो उसकी स्पीड इन जनरल, उसकी मोशन में एक्सेलरेशन इन जनरल प्रोड्यूस हो सकता है या नहीं, यस और नो? यस सर। ओके, टेल मी, मैंने फैन ऑन किया, ध्यान से समझना क्वेश्चन, मैंने फैन ऑन किया, फैन पहले बंद था, रुका हुआ था, फैन ऑन किया, स्विच ऑन किया,
पेन घूमना स्टार्ट हुआ, पहले उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और फिर अभी तो अब वो फैन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और उसके बाद मैंने उसकी एक स्पीड कर दी फिक्स, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 स्पीड होती है फैन की, 4 पे मैंने कर दिया फिक्स। और कुछ देर के बाद अब मैंने उसको ऑब्जर्व किया, तो बताओ देर विल बी एक्सेलरेशन और नो, देर विल बी एक्सेलरेशन और नो? नो सर। हाँ भाई, कितने जने बोल रहे हैं? नो सर, नो। कितने जने बोल रहे होगा? तो भाई जिन्होंने कहा था नहीं होगा, आप बताओ कि ये फैन है, फैन की ये विंग है, ये अगर, या जैसे कार से समझते हैं पहले, ये कार अगर सीधी चलती जब तक इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं, जैसे इसने टर्न लिया क्या इसकी डायरेक्शन में चेंज आया या नहीं आया? यस और नो? यस। तो डायरेक्शन चेंज हो गई तो क्या वेलोसिटी में चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। फिर इसने इधर की तरफ टर्न ले लिया, यानी कि ऐसे इस रोड पर मूव कर रही है और फिर इसने इधर की तरफ टर्न ले लिया, यानी कि अब ये इधर की तरफ जा रही है, तो फिर से इसने डायरेक्शन चेंज कर ली। क्या डायरेक्शन चेंज हुई तो फिर से वेलोसिटी में चेंज आया कि नहीं आया? यस सर। वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है तो बताओ, भले इसकी स्पीड सेम हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है तो बोलो एक्सेलरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस और नो? होगा सर। होगा, होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे 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 मूव कर रहा है और ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो क्या उसकी हर पॉइंट पर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो? ऐसे 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 हर पॉइंट पर, बताओ डायरेक्शन में चेंज है कि नहीं है? बोलो। होगा। तो अगर डायरेक्शन में चेंज है तो क्या एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी में चेंज होगा कि नहीं होगा? इफ डायरेक्शन इज चेंजिंग दैट मींस वेलोसिटी शुड बी चेंज और नो? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. अगर होगा तो acceleration produce होगा कि नहीं होगा? If there is some change in velocity, then acceleration should be produced. So the uniform, तो हम बोलेंगे क्या? Fan is moving with uniform speed, but not uniform velocity. Fan जो 4 की speed पे घूम रहा था, उसकी velocity तो, sorry, speed तो uniform है, but उसकी velocity non-uniform है. और velocity non-uniform, इसका मतलब there is a change in velocity. और अगर वेलोसिटी में चेंज है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब किसी को कंफ्यूज होगा, अरे यार ये क्या हो गया, तो 10 - 10 ये तो 0 हो ही जाएगा ना, ऐसे कैसे सर बात कर रहे हैं? तो भाई देखो, अभी आगे चल करके हम कुछ इसमें शायद वाली कोई बात नहीं है, हार्दिक 100% होगा। तो इसमें देखिए, यहाँ पर जनरली हम एक्स डायरेक्शन को अभी आगे चल के मैं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर के लिए मान लो आई कैप, या आप आई कैप छोड़ो, इसको मैंने बोल दिया डायरेक्शन से बोल देता हूँ ना मैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो जब ऑब्जेक्ट मान लीजिए इधर मूव कर रहा था 10 meter per second से, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? v1 is equals to 10 meter per second, ये तो स्पीड हुई, डायरेक्शन लिखनी है तो नॉर्थ लिख दिया। v2 मैंने लिख दिया जब ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ ईस्ट की तरफ चला गया, तो 10 meter per second towards east। और जब v3 लिख दिया तो इसको क्या लिखूंगा? 10 meter per second towards south। फिर इसी तरह से v4 is equals to 10 meter per second towards वेस्ट। ठीक है, अब किसी ने कहा देखिए स्पीड तो सेम है, स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो जब डेल्टा भी निकालेंगे किन्हीं भी दो का तो ये जीरो नहीं होगा। मान लीजिए मैंने डेल्टा भी निकाला फर्स्ट और सेकंड का, v2 - v1, तो आप 10 meter per second ईस्ट में से 10 meter per second नॉर्थ को माइनस नहीं कर सकते, बोथ आर डिफरेंट थिंग। केवल 10 meter per second होता तो आंसर जीरो आता, लेकिन 10 मीटर ईस्ट में से 10 मीटर साउथ को या 10 मीटर नॉर्थ को माइनस कर रहे हो, इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। ध्यान से देखो, ये डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसा होता कि एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया 10 मीटर और यहां से यहां तक गया 10 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो हम ये वाला बताते ना, तो यहाँ पे इस तरह से चेंज इन वेलोसिटी निकल करके कुछ कुछ आएगा, या बाद में भी बताऊंगा ये कैसे आएगा। तो इस तरीके से ये चेंज होता है और डायरेक्टली आप इनको, इन दोनों को डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, आप कुछ स्पेशल तरीके होते हैं जिनके थ्रू वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, जिनको उनके थ्रू हम इनको माइनस करते हैं या प्लस करते हैं। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, भले ही वैल्यू सेम हो
डायरेक्शन अगर चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा इसलिए. सो सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, भले उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, डजंट मैटर. ये कंपल्सरी क्योंकि उसकी डायरेक्शन, भले उसकी स्पीड सेम नहीं भी रही तो भी डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी में चेंज है, और स्पीड फिक्स है तो भी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी, यानी दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, और कहीं पे लिख लेना ऑलवेज, या भी मैं लिखवा भी दूंगा, सर्कुलर मोशन इज द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन. अभी ऑलवेज सर्कुलर मोशन विल बी द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन.